कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21वीं अध्याय 21 प्रायिकता। तीन पुरुष दो महिलाओं और चार बच्चों में से चार व्यक्ति अध्यक्ष चुने जाते हैं, इनमें से दो बच्चे चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, इसे हमको बतलाना है। ध्यान दीजिए, तीन पुरुष जो कंडीशन है हमारे पास है, तीन हमारे पास क्या है पुरुष, दो महिलाएं, दो महिलाओं और चार बच्चे। यदि इन सबको क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो तीन धन दो धन छह बराबरी से कितना हुआ नौ, नौ हो रहा है में से कितने चार व्यक्ति चुने जाते हैं, चार व्यक्ति या अध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्षा चुने जाते हैं, अध्यक्षा चुने जाते हैं, तो ऐसी अथा कुल स्थितियां इनके चुने जाने की क्या कुल स्थितियां कितने में से नौ में से चार व्यक्ति को चुनने के कुल स्थितियां, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई बराबरी से 9C4, नौ का क्रम गुणित चार स्टेप तक जाएगा, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 3 × 6, 6 से 6 कट गया, 4 × 8, 2 × 7 = 14, 14 × 9 = 14, 9 = 126, 126। अतः अब दो बच्चे चुने जाने, अब कितने, अब दो बच्चे चुने जाने तथा शेष दो महिला एवं पुरुष दो महिला एवं पुरुष क्या चुने जाने की कौन सी अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थिति कितने दो बच्चे, बच्चों की संख्या टोटल कितनी है चार, चार में से दो बच्चों को चुने जाने की कंडीशन हमारे पास में है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ एस, ये हमारे पास क्या है टोटल संभावना है नौ में से चार के चुने जाने की, और ये जो अनुकूल स्थिति हमारे पास है ये कहलाती है नंबर ऑफ ई, चार में से दो बच्चों के चुने जाने की प्रायिकता गुणित दो महिला एवं पुरुष चुने जाने की प्रायिकता। हमारे पास क्या है तीन पुरुष है और दो महिला है, टोटल कितने हैं पांच, पांच में से दो के चुने जाने की प्रायिकता, चार का क्रम गुणित चार गुणित तीन बटे दो गुणित एक, पांच का क्रम गुणित पांच गुणित चार बटे दो गुणित एक, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तीय छः, पाँच दुनी दस, दस छः साठ, अनुकूल स्थिति हमारे साठ की है, अतः दो बच्चे चुने जाने की प्रायिकता, अतः कितने दो बच्चे चुने जाने की प्रायिकता,
दो बच्चे चुने जाने की यदि हम प्रायिकता देखें तो प्रायिकता हमारे पास होगी पी ऑफ एस बराबरी से नंबर ऑफ पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। नंबर पी ऑफ ई बराबरी से नंबर ऑफ ई मतलब 60 बटे नंबर ऑफ एस 126। हम जानते 6 से दोनों में भाग चल जाएगा, 6 दाम 60, तो पी ऑफ ई बराबरी से कितना 10/21। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।